मुरादाबाद में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हो गया। इसके बाद वोटिंग मशीन को मुरादाबाद के मंडी समिति के स्ट्रांग रूम में सील कर दिया। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा पीएमएफ यूपी पुलिस को सौंपी गई है। वहीं पूरे एरिया की सीसीटीवी सर्विलेंस भी कराई जा रही है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कुछ यूं कहा, आइए सुनते हैं खास खबर आरजीसी पर इमरान अंसारी के साथ। सर, चुनाव दूसरे चरण में मुरादाबाद में कंप्लीट हो चुका है, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई है और प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी हैं वो भी क्या बाहर रहकर, उस प्रमिसेस के बाहर रहकर देख सकते हैं, क्या परमिशन दी गई है और किस तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टि से की गई है? देखिए, अपने यहाँ 14 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए और देर रात्रि तक सारी ईवीएम मशीनें हमारे स्ट्रांग रूम में आ गई और वहाँ डिपाजिट करने के पश्चात स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है और पूरे स्ट्रांग रूम में आउटर साइड से पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका मॉनिटर भी लगा हुआ है कंट्रोल रूम में, जिसको कोई भी उसको वॉच कर सकता है, सारी एक्टिविटीज को देख सकता है। और सुरक्षा के लिए इनर कार्डन में सीपीएमएफ लगाई गई है, जिसके जवान जो राउंड द क्लॉक उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आउटर कार्डन में स्थानीय पुलिस की मदद ली जा रही है, जिनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा वहाँ पर एक नियमित मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। जो प्रत्याशी लोग हैं उनको भी इस बात की अनुमति है कि वो अपने अभिकर्ता को वहाँ पर ईवीएम मशीनों की रखवाली की प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए वहाँ भेज सकते हैं, जिससे कि वहाँ वो देख सकें कि हाँ, सारी कार्यपाली या सब कुछ माननीय आयोग के निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। और वहाँ पर कुछ प्रत्याशियों ने भी भ्रमण किया है, उनके एजेंट्स भी वहाँ पर हैं, जहाँ ईवीएम रखी है उसके बाहरी साइड में उनको रखा गया है, जिससे वो पूरी एक्टिविटीज को वॉच कर सकें। इसके अलावा समय समय पर उनको अंदर प्रवेश करने की भी अनुमति दी जाती है। तो पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से कैमरे के निगाह में है और सीपीएमएफ उसकी पूरी तरह से सुरक्षा कर रही है और इसमें निश्चित रूप से प्रत्याशी और उनके एजेंट भी इस पूरी प्रक्रिया के भागीदार हैं। सर, इसकी वेबकास्टिंग